गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ शहर के सचिन इलाके में केमिकल से भरे टैंकर से केमिकल रिसाव होने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 से ज्यादा मजदूरों को दम घुटने की वजह से सूरत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये मामला सचिन इलाके के GIDC का है। इस इलाके में कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं। यहीं एक केमिकल टैंकर में लीक हो गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले मजदूरों का जहरीली गैस से दम घुटने लगा। गैस इतनी जहरीली थी कि 6 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कई मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एक प्रिंटिंग मिल के पास एक टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में डाल रहा था। इस दौरान उसमें से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। गैस हवा के संपर्क में आ गई। इस जहरीली गैस ने प्रिंटिंग मिल में काम कर रहे वर्कर्स को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।